गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब को जब याद करते हैं तो कुछ इतिहासकार शौर्य और वीरता के पहलू को ही प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे, ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़के समाज को एकता के सूत्र में बांधना, सबको समानता, इसमें कोई ऊंच नीच का भेद ना हो, उसके लिए जीवन पर्यंत अपनों के बीच भी वो आग्रह पूर्वक बातों को मनवाने में अपना जीवन खपाते रहे थे। और उस कालखंड को देखें, एक तरफ भयंकर क्रूरता थी, जुल्म थे, अत्याचार थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज का मार्ग एक तरफ क्रूरता तो दूसरी तरफ वीरता का, उन्होंने वीरता का मार्ग लिया, जन सामान्य में वीरता पैदा करने का प्रयास किया। क्रूरता का मुकाबला क्रूरता से नहीं, क्रूरता का मुकाबला वीरता से करने का संदेश गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दिया। आज जब देश की एकता, अखंडता, शांति, एकता, सद्भाव, इस मंत्र को हमें जीना भी है और नई पीढ़ी को जीने के लिए प्रेरित भी करना है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, उनके त्याग बलिदान को नमन करता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।